हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मानसी एंड आज का रिएक्शन वीडियो है आप सभी के चहेते एमसी इंसेन के ऊपर, जिसका की टाइटल है मगरमच्छ ऑफिशियल म्यूजिक वीडियो एसएफएस मिक्स टेप 2022। एक्चुअली अभी बहुत जल्दी जल्दी रैप सॉन्ग निकाल रहे हैं, कुछ दिनों पहले नज़र और एक दो और सॉन्ग उनके आए थे, तो देख लेते कैसा है मगरमच्छ सॉन्ग। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार ये हाँ वीडियो है, ऑडियो नहीं है। तो चलो शुरू कर लेते इसके ऊपर रिएक्शन। और शुरू करने से पहले बता दूं कि मेरा न्यू व्लॉग है वो आ चुका है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हुआ है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। फिलहाल शुरू करते हैं इसके ऊपर रिएक्शन गाइस। जो हम हारे लेके हारा हुआ दिल, जाते जाते एक बार लेती मिल। हूँ मैं बच्चा, बच्चे को नहीं पता दूरी, बस रहते हो तुम खुश तो मेरी इच्छा होती पूरी। माँ को दूंगा घर आने वाले इन दो सालों में, सीखा था मैंने मुझे आके तुम बचा लोगे। कुछ लोगों ने तो जो भी मेरे पास था सब छीना है, तब मैं समझा कि मुझे कम लोगों के साथ ही जीना है। ये सच जिंदगी है देती चोट, पर वो आएंगे न लौट अपने मरने वाले ख्वाब से। तू बच, जिसने रोया तेरे साथ और जो हंसा तेरे बाद, वो इंसान नहीं है वो है मगरमच्छ। okay, तो इंसान नहीं हुए मगरमच्छ। ईएमओ रैपर है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इमोशनल रैप सॉन्ग ही है। तो दो साल में अपनी मम्मी को एमसी इंसेन घर जो वो गिफ्ट करने वाले हैं, एंड ये वाला सॉन्ग भी स्टार्टिंग का बस उनकी गर्लफ्रेंड से ही स्टार्ट हो रहा है, जैसा कि हमेशा होता है। वाले ख्वाब से तू बच, जिसने रोया तेरे साथ और जो हंसा तेरे बाद, वो इंसान नहीं है वो है मगरमच्छ। जिंदगी है देती चोट, पर वो आएंगे ना लौट अपने मरने वाले ख्वाब से। तू बच, जिसने रोया तेरे साथ और जो हंसा तेरे बाद, वो इंसान नहीं है वो है मगरमच्छ। पूछूं क्यों अकेले हो, पर जो भी होगा वादा तुमसे साथ में ही झेलेंगे। ये नशा कैसे मारेगा, हम नशे को भी खेलेंगे। तू सबके लिए सोचा, सोचो खुद के लिए थोड़ा भी ज्यादा दिया सबको, खुद तो खाया तूने थोड़ा ही। बंधन है तो हमने है निभाया, हमने सींचा भी पौधे को बनाया हमने पेड़ फिर बगीचा भी। प्यारा साहेब इसका सब उठाते फायदा, इल्जाम दिया सबने पढ़ना मौका दे सफाई का। नाम दिया मैंने अपने दुश्मन को भी भाई का, क्योंकि मेरे दुश्मनों में शामिल मेरा भाई था। जो ना होगा तुमसे इस वाले रैप सॉन्ग, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पीछे से जो बीट है, आई थिंक ऑटो ट्यून जो है पीछे का, जो म्यूजिक है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट रखा गया है, मतलब वर्स से ज़्यादा फास्ट चल रहा है। बट अच्छा है सॉन्ग, इस बार कुछ अलग ट्राई किया है, एंड एडिटिंग वगैरह भी काफ़ी, मतलब जैसे नॉर्मली मैंने देखा है कि इतना ज़्यादा एडिट नहीं करते हैं सिंसर में सॉन्ग को, इसको काफ़ी ज़्यादा एडिट भी, जैसे गाड़ी के ऊपर मतलब किनारे से निकल कर और बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स जो क्रिएट करने की कोशिश की गई है, ठीक है अच्छा है। बट ऑब्वियसली ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरे इनके जो पुराने सॉन्ग्स है ना, ट्रस्ट मी वगैरह, वो भी ज़्यादा अच्छे लगे, वो ज़्यादा इमोशनली मेरे को अंदर तक मतलब टच करके गए थे। आई डोंट नो, मे बी शायद म्यूजिक तेज होने की वजह से या फिर कुछ नया ट्राई करने की वजह से भी, मुझे इतना समझ नहीं आया। अच्छा है बट मुझे वो वाले ज्यादा अच्छे लगे थे। दे सफाई का नाम दिया मैंने अपने दुश्मन को भी भाई का, क्योंकि मेरे दुश्मनों में शामिल मेरा भाई था। जो ना होगा तुमसे ऐसा वादा ना करो, बातें भी नहीं होती और इशारों से डरो। सोचो जिसके बारे वो तो खुद में ही मगन है, तभी ज्यादा फंसता हूँ दूसरों पे नहीं, मैं तो खुद के ऊपर हंसता हूँ। सोचा मैंने कि तुम इस सफर पे मेरे साथ हो, पर चलते नहीं तुम जिस पे मैं तो वही वाला रास्ता हूँ। किस दुनिया में छोड़ा अपने अंदर के इंसान को, भूल कैसे सकते हो कि तुम भी एक इंसान हो। मर के भी क्या होगा, हम तो जीते जी ही दूर है, क्या हम लोगों से भी बड़ा ईगो और गुरूर है। सोचो कैसा लगता
बिल्कुल सही है। इंसान का आजकल इससे ज्यादा ईगो और गुरूर एक्चुअली ज्यादा रिश्ते टूटने की वजह भी यही होती। तो मतलब ये चीजें कुछ कुछ सही है, इस वाले वर्ष में काफी सारी चीजें जो है सही है। एक इंसान हो मर के भी क्या होगा, हम तो जीते जी ही दूर है, क्या हम लोगों से भी बड़ा ईगो और गुरूर है। सोचो कैसा लगता जब कोई सब कुछ खो के बैठा है, उम्मीद में था वो कि देने पे तो वापस मिलता है, पर होता ऐसा कुछ नहीं, वो खाली हाथ बैठा है। माँ को बोला खाया पर वो भूखे पेट ही लेटा है। लगता मुझे अब इस दुनिया में मेरा क्या रखा है, कुछ पैसे मिलते मुझे जिससे जीवन मेरा चलता है, बस यूं ही मैं अकेला रहकर करता हूँ गुजारा, खुद मिलता नहीं मैं अपने परिवार से भी ज्यादा। खुद हो गया कुछ ऐसा, अब अंधेरे से ही प्यार है, लगता है इस अंधेरे में ही छुपे मेरे यार है। सैड बंदा क्योंकि मेरी स्टोरी भी तो सैड है, सोता नहीं मैं पूरी रात बैठा अपने बेड पे, जिसके लिए काटे मैंने कितने दिन सलाखों पर, उसके लिए उसकी बातें रखी थी सर आंखों पर, ये फितरत है तुम्हारा। ओके, तो लास्ट के 2 वर्ष मेरे को कुछ मतलब ठीक लगे, इतने कुछ खास नहीं लगे, बट उसके बाद जब मैंने बोला ना कि मेरे को एम सी इंसेन का ये वाला कुछ सॉन्ग सही नहीं लग रहा है, उसके बाद मेरे जो वर्ष स्टार्ट हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा क्या बोलूँ, काफ़ी हद तक सही थे। जिस तरह से वर्स चल रहा था, जो वर्ड्स थे और जो रिलेट कर रहे थे असली लाइफ से, क्योंकि पहले थोड़ा सा मेरे को थोड़ा मतलब जिस तरह से मैं एम सी इंसेन को सुनती हूँ ना, तो थोड़ा सा मेरे को बीट वीट के हिसाब से थोड़ा तेज लगा, बट अभी जिस तरह से सॉन्ग चल रहा है उस हिसाब से बीट भी अच्छी लग रही है पीछे से, तो शायद मे भी शायद मैं पहले गलत थी, बट अभी मेरे को अच्छा लग रहा है। बैठा अपने बेड पे, जिसके लिए काटे मैंने कितने दिन सलाखों पर, उसके लिए उसकी बातें रखी थी सर आंखों पर, ये फितरत है तुम्हारी, तुमसे मुझे कोई गिला नहीं था, मैं तेरे लिए भाई तू मेरे लिए था नहीं, ये सच। जिंदगी है देती चोट पर वो आएंगे ना लौट, अपने मरने वाले ख्वाब से तू बच, जिसने रोया तेरे साथ और जो हंसा तेरे बाद, वो इंसान नहीं है वो है मगरमच्छ। जिंदगी है देती चोट पर वो आएंगे ना लौट, अपने मरने वाले ख्वाब से तू बच, जिसने रोया तेरे साथ और जो हंसा तेरे बाद, वो इंसान नहीं है वो है मगरमच्छ। पीछे कर रहे हैं, मुझे बता रही है सकल हल्की फुल्की धीरे मन, ये था नहीं ये सच। जिंदगी है देती चोट पर वो आएंगे ना लौट, अपने मरने वाले ख्वाब से तू बच, जिसने रोया तेरे साथ और जो हंसा तेरे बाद, वो इंसान नहीं है वो है मगरमच्छ। जिंदगी है देती चोट पर वो आएंगे ना लौट, अपने मरने वाले ख्वाब से तू बच, जिसने रोया तेरे साथ और जो हंसा तेरे बाद, वो इंसान नहीं है वो है मगरमच्छ। ये था रैप सॉन्ग। अच्छा मेरे को पता नहीं यार, मतलब मेरे को वैसे लगा कि हूबहू वो पीछे जो लड़का खड़ा था ना ब्लैक टी शर्ट में, जो बार बार वीडियो में आ भी रहा था, बिल्कुल धीरू मोंची जैसा लग रहा था, बिल्कुल वैसा ही लग रहा था, इसीलिए मैंने पॉज की दोबारा पीछे भी की देखने के लिए। तो गाइस ये था एम सी इंसेन के मगरमच्छ के ऊपर रिएक्शन, कैसा लगा आप लोगों को बताना, क्योंकि मुझे पहले पहले कुछ समझ में नहीं आया, 1 वर्ष में फिर थोड़ा सा बाद में अच्छा लगा, और बीच में तो मेरा थोड़ा ध्यान पीछे धीरू मोंची वाले की तरफ को चले गया था, बट जो ट्रैक है वो काफ़ी सही लगा मुझे, थोड़ा सा मेरे को बीट थोड़ा तेज लगी पीछे से, आई डोंट नो मतलब मुझे ऐसा लगा, आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है, सबकी अलग चॉइस होती है, बट वैसे ट्रैक काफ़ी अच्छा था, इमोशंस काफ़ी भरे पड़े हुए थे इसमें। तो गाइस यहीं पर करती हूँ इस वीडियो ख़त्म,
क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है। मिलती हूँ आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।